हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन में और डेटा इंटरप्रिटेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेस्ड ऑन द रिसेंट एग्जाम एनालिसिस, जो अभी एग्जाम हुए रिसेंटली सितंबर के मंथ में और इससे पहले जो एग्जाम हुए थे, इनके बेस पे आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। गाइज, इससे पहले हम आगे बढ़ें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए गाइज, सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन का एक ऐसा टॉपिक जहाँ पर आपका कम्युनिकेशन आपकी प्रोफेशन से, दैट इज टीचिंग प्रोफेशन से रिलेट करके आपको पढ़ाया जाता है, तो क्वेश्चन भी इसी तरीके के बार बार पूछे जाते हैं। जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि क्लासरूम कम्युनिकेशन से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन बढ़ रहे हैं कि भाई किस तरीके से क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव तरीके से आप कर सकते हो, स्टूडेंट्स को किस तरीके से अच्छे और बेहतर तरीके से आप चीज़ें समझा सकते हो, इसी तरीके इसी टॉपिक के ऊपर, आई मीन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आप बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे यूज़ करते हैं टीचिंग में। जैसे कई बार हम बच्चों को बड़ी बड़ी आंखें दिखा करके डरा देते हैं क्लास में कि बैठ जाओ, चुपचाप बातें मत करो, इस तरीके से, तो वो क्या है, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। और कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे स्टूडेंट जब आते हैं कॉलेज में तो कई बार तो मैं कमिंग ना बोल के केवल हाथ खड़ा कर देते हैं, ऐसे करके एक हाथ आगे, राइट हैंड आगे बढ़ा देते हैं, इसका मतलब है कोई अंदर आने के लिए बोल रहा है, तो ये क्या, दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसलिए इस टॉपिक के ऊपर भी ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइस, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं उसमें एक तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो कि स्पेशली क्लासरूम कम्युनिकेशन से रिलेट करके क्वेश्चन बन रहे हैं, और प्लस बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन की अच्छे से कम्युनिकेशन करने के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है। सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको यूट्यूब पर ही कवर करवाया हुआ है, तो आप सिंपल यूट्यूब पर सर्च करेंगे यूजीसी नेट मेंटोर और आगे लिख देना इफेक्टिव कम्युनिकेशन करके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन लिख दोगे तो ये वाली वीडियो भी आ जाएगी और ये वाली भी आ जाएगी, तो इनको गो थ्रू कर लेना। अगर इन दो वीडियो को भी देख लोगे तो डेफिनेटली गाइस अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप करके आ पाओगे, बिकॉज मैंने थियोरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर करे थे किस तरीके से चीज़ें होती हैं एक्चुअल लाइफ में, तो वो चीज़ें आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे। और मास मीडिया से रिलेटेड अभी एग्जाम जो हुआ था, आई थिंक 23 सितंबर वाले शिफ्ट में, उसमें इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप मास मीडिया भी एक बार गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा गाइस, मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, इन दो यूनिट के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गाइस इस वाले वीडियो की जिसमें मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बारे में आपको बताया था कि ऐसे टॉपिक जो कि बार बार इन दो यूनिट से रिपीट हो रहे हैं, इनको अच्छे से कर लो। इस वीडियो का तो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी इस वीडियो को देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वाली वीडियो रहने वाली है। तो ये दो यूनिट मैंने ऑलरेडी कवर करवा दी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता करके। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर गाइस आपको टेबल चार्ट करना है, आंखें बंद करो और सिर्फ एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो, अच्छे इन द सेंस कि इससे रिलेटेड हर तरह का क्वेश्चन कर लो। टेबल चार्ट में कई बार रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, कई बार ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज गिवन होगी, कई बार पॉइंट में वैल्यूज गिवन होती है, फ्रैक्शनल वैल्यूज गिवन हो सकती हैं, तो अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको, सभी तरह के क्वेश्चंस को आप कर लो अच्छे से, टेबल चार्ट कर लो, यही आएगा, यही आता है हर बार, 99% बता रहा हूँ यही आएगा, एक आधा परसेंट में चांस है कि बार चार्ट या फिर हिस्टोग्राम दे दे, ऐसा नहीं कि नहीं आता हिस्टोग्राम बार चार्ट, वो भी आ सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन 99% केस में टेबल चार्ट ही आएगा। और अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं सभी में टेबल चार्ट ही बना है, तो टेबल चार्ट ही बनेगा, इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लो। वैसे मैं बता दूं कि डेटा इंटरप्रिटेशन मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे भी कवर करवाया हुआ है, तो सिंपली आपको सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटोर, आगे लिख देना डेटा इंटरप्रिटेशन, ये इस तरीके से सर्च करोगे तो आपको टेबल चार्ट के क्वेश्चन, तरह तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते हैं टेबल चार्ट के, मैंने ऑलरेडी डिस्कस करवा दिए आपको यूट्यूब पर, तो जाओ सर्च करो फटाफट से और देखो इस वीडियो को, डेफिनेटली यहाँ से भी काफी हेल्प हो जाएगी। मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी किस तरीके से आप टेबल चार्ट वाले क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हो, तो जाके फटाफट देखो वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। इसके अलावा गाइस, अगर आप अपकमिंग सेशन की प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हो तो 6 मंथ 12 मंथ के जो कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, इसके लिए आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए यूजीसी नेट मेंटोर, कंप्लीट कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स हैं, मॉक टेस्ट है 95 और वीडियो लेक्चर्स नोट्स भी अवेलेबल है, तो एक सिंगल प्लेस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फटाफट से इंस्टॉल कर लो और जो अपनी प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट सेशन के लिए स्टार्ट कर लो, अभी से करोगे तब जाके टॉप 6% में आ पाओगे, एंड मोमेंट पर करोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ना, तो फटाफट से अपने मोबाइल फोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। गाइज, अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो यूजीसी नेट मेंटोर के नाम से, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना नहीं किया है तो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर, थैंक यू सो मच।